अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स और हम बात कर रहे हैं द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल ऑनटरप्रोर्स की ताकि ये करेक्टरिस्टिक्स आप अपने अंदर भी पैदा कर सकें हम पहली वीडियोस में बात कर चुके हैं पैशन फॉर बिजनेस बिजनेसिटी डिस्पाइट फेलियर एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस डिसिप्लिन सेल्फ स्टार्टर स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स ओपन माइंडेडनेस और सेल्फ एश्योरेंस के इस वीडियो में हम कंक्लूड करेंगे विद एम्पथी विजन सेल्फ इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमिस्टिक एंड बीइंग क्रिएटिव और ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सक्सेसफुल ऑन्ट के सबसे हम पहले बात करते हैं एम्पथी की आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में बात की थी टॉलरेंस की क्या आपके पास टॉलरेंस फॉर इम्बिग्विटी है क्या आपके पास रिलीजियस या रीजनल या कल्चरल डायवर्सिटी को डाइजेस्ट करने की जो है वो कैपेसिटी है अगर ये है तो आप एम्पथैटिक हो सकते हैं बींग एम्पथैटिक मीन कि आप लोगों की बात सुने और उनकी बात उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुने यानी इन अदर वर्ड्स जिस तरह हम कहते हैं ना कि यू नीड टू पुट योर सेल्फ इन समबडीज एल्स शू टू अंडरस्टैंड हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू यानी जब तक हम अपने आप को किसी दूसरी की पोजिशन में नहीं रखेंगे हम उनकी बात समझ नहीं पाएंगे आपको कंज्यूमर के पास जाना है बींग एन ऑनटरप्र्यूर आपको उसको समझना है आपको उसको सुनना है आप सेल्फ ऑप्सिस्ट नहीं हो सकते अपने बिजनेस आइडिया और बिजनेस प्रोडक्ट से बिकॉज डे एंड के ऊपर आपके बिजनेस की जो सर्विसेज हैं या जो बिजनेस की प्रोडक्ट्स हैं वो एक एंड यूजर ने इस्तेमाल करनी है अगर आप एंड यूजर के साथ एम्पथैटिक नहीं हो सकते तो मार्केट इंटेलिजेंस का जो एक एलिमेंट है वो मिस हो जाएगा फिर हम बात करते हैं विजन की कितने ही सक्सेसफुल ऑनट जो इस वक्त बहुत सक्सेसफुल हैं और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक जिस कहते हैं बैकयार्ड स्मॉल बिजनेस आइडिया से लेकर अब वो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर एक लिस्टेड कंपनीज हैं अगर आप उन ऑन्टोर्स को देखें उन सब के पास एक विजन था देवर विजनरी लीडर्स एक सक्सेसफुल ऑन्टप्रन्योर्स के जहन में विजन जरूर होता है हम ये नहीं कह रहे कि अगर आपने बहुत छोटे पैमाने पे कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपके पास कोई बहुत बड़ा ग्लोबल विलेज होना चाहिए विजन से मुराद ये है आपका फोरसाइटेडनेस क्या आप अपने आप को अगले आने वाले चार या पाँच सालों में देख सकते हैं क्या आप अगले आने चा अगले आने वाले चार या पाँच सालों में मार्केट को असेस कर सकते हैं क्या अगले आने वाले चार या पाँच सालों में आप कंज्यूमर की डिमांड या उसकी नीड की असेसमेंट अच्छे से कर सकते हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं जो आपको यह लगता है कि आप उसको डिज़ाइन करने के बाद अगर एक साल का अरसा आपको लग रहा है और वो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके जाए तो मार्केट में वो प्रोडक्ट फिर भी सक्सेसफुल होगी ये जो फोरसाइटेडनेस है यानी अपने आप को चार या पांच या दस सालों के बाद देखना ये एक बहुत अहम बहुत क्रिटिकल एक करेक्टरिस्टिक uh, है और जितने भी सक्सेसफुल ऑन्टरप्रनोर आप देखेंगे जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था आप तब से अगर उनकी बातें सुनना शुरू करें तो आपको अंदाजा होगा कि वो तब से ही विजनरी थे फिर उसके बारे में हम बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज सेल्फ इन्वेस्टमेंट अगर आप एक ऑनटरप्रनीर हैं और आप अपना बिज़नेस शुरू कर ही दिया है तो क्या आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है आपने देखा होगा बहुत से ऑन्टरपनी इनिशियली अपना बिज़नेस शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने के दौरान में उनको ये एहसास होता है नंबर वन कि वो फाइनेंशियल रेशियोज़ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझ नहीं पाते तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो आप किसी को हायर कर लीजिए या आप ये काम ख़ुद सीख लें फिर उसके बाद बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो अच्छे कम्युनिकेट उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है दे आर नॉट गुड और आइटर्स सो अगेन वो जाते हैं किसी ना किसी ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग की कितनी ही प्राइस क्यों ना हो बात वो बाहर के मुल्कों में ट्रैवल करते हैं अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे लगाते हैं कि वो कम्युनिकेशन स्किल सीख सकें वो मुख्त लोगों में जाके देख सकें कि वो वहाँ पर कैसे रहते हैं ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं वो ज़रूर बाहर के मुल्कों में जाते हैं और असेस करते हैं वहाँ के कंज्यूमर्स को क्या आप अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा अक्सर इंटरनेट के ऊपर आ रहा होता है कि बिल गेट्स ने इस साल में कौन कौन सी किताब पढ़ने के लिए रेकमेंड की है ये क्या है इट्स ए सेल्फ़ इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर रहे हैं रेशियो नहीं आता तो बेहतर करते हैं कोई डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स आपको नहीं आते हो वो खुद सीखने के लिए जा रहे हैं सो so, जब तक आप खुद अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो यानी इन अदर वर्ल्ड्स अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे एज एन ऑन्टरप्रेन्योर तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते और जितने भी सक्सेसफुल ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं आप उनके बहुत शुरू की वीडियोस देख रहे हैं और आप उनकी दस साल या बीस साल के बाद वीडियोस देखें आपको फर्क साफ नजर आएगा बींग एन ऑनटरपिन्योर आपको ऑप्टोमिस्टिक होना पड़ेगा पैसामिस्टिक होना या बिल्कुल ये सोचना कि मार्केट बिल्कुल बैठ गई है बिजनेस बिल्कुल बैठ गया है और कुछ भी नहीं हो सकता इस तरह कामयाब ऑन्टरप्रनोर नहीं बना जाता बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं एक मार्केटिंग मैनेजर को एक इलाके में भेजा जाता है और उनको कहा जाता है कि वहाँ पे जाके देखें कि जूतों की कितनी मार्केट वहाँ पर जो है वो अवेलेबल है हमारे पास वो मार्केट मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर उस एरिया में जाते हैं और देखने देखते हैं कि, कि किसी भी कंज्यूमर ने जूते नहीं पहने हुए और वो वापस आके रिपोर्ट ये देते हैं कि वहाँ पर कोई जूता पहनता ही नहीं है इसलिए वहाँ पर जूतों की कोई मार्केट नहीं है दो साल के बाद उसी एरिया में एक नए मार्केटिंग मैनेजर को भेजा जाता है और फिर कहा जाता है कि मार्केट असेसमेंट लेकर आए कि वहां पर जूतों की मार्केट कितनी है जब वो वहां से वापस आते हैं तो रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि जी वहां पे कोई जूता नहीं पहनता सो पूरी की पूरी मार्केट हमारे पास अवेलेबल है कि हम हर एक को जूता पहना सकते हैं दिस इज बेसिकली दी अप्रोच बींग ऑप्टोमिस्टिक आपको ऑप्टोमिस्टिक होना पड़ेगा मार्केट के बारे में चाहे इकोनमी के हालात जैसे ही हों आपको डे एंड के ऊपर एक होप रखनी पड़ती है और आखिर में हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की अच्छा क्रिएटिविटी को बड़ा कंफ्यूज किया जाता है कि अगर आपको क्रिएटिव होना है तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है ये बिजनेस है क्रिएटिविटी विदाउट अ डेड लाइन इज जस्ट अ ड्रीम और वो आप सारी जिंदगी देख सकते हैं क्रिएटिव होने का मतलब ये है अगेन आपकी जितनी भी अप्रोचेज हैं वो ट्रेडिशनल uh, नहीं होनी चाहिए यानी आपके पास वही एक सेम फॉर्मूला नहीं होना चाहिए जो पूरी मार्केट इस्तेमाल कर रही है बात इसी तरह से होता है कि रिसोर्स ऑनटरपन्योर एंटरपन्योर बी और ऑन्टपनी सी सभी के पास सेम होते हैं बट कोई एक ऑन्टरपेन्योर सेम उन्हीं रिसोर्स को एक नए फॉर्मूले के तहत इस तरह से इंटीग्रेट करता है कि बिल्कुल एक नई चीज़ सामने आ जाती है सो so, आप जितने भी सक्सेसफुल ऑन्टपनी को देखेंगे उन सब के अंदर आपको क्रिएटिविटी नजर आएगी वो क्रिएटिविटी उनकी, उनकी, उनकी so, प्रोडक्ट डिजाइन में बात कर सकते हैं ये सारे करेक्टरिस्टिक्स आपको इंटरनेट और मुख्य किताबों से मिल जाएंगे हम सिर्फ उसको इकट्ठा करके आपके पास ले आए इन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में और पढ़िए अपने अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स पैदा कीजिए ताकि जब आप बिजनेस करें तो आप को ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प करें आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो